आज की जो हमारी क्लास है वो एक्सरसाइज 12.2। पहले तो मैं चैप्टर का नाम लिखता हूँ, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ये आपका चैप्टर है और इसमें जो एक्सरसाइज 12.2 है उसका क्वेश्चन नंबर आज हम फिफ्थ डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ से पहले बाकी जो भी चीज़ें हैं एक्सरसाइज 12.1 है वो सब पहले वाले वीडियो में हो चुके हैं। तो चलिए इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर दी है। एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। एक आर्क ले लीजिए, सपोज करिए ये आर्क है ए बी, ये इसका सेंटर है। ये सेंटर पे थीटा कितना बना रहा है, 60 डिग्री। आर दिया है 21 सेंटीमीटर। इसमें तीन तीन पूछ रहा है। पहला पूछ रहा है लेंथ ऑफ दी आर्क। पहला क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ दी आर्क। दूसरा क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय दी आर्क, फॉर्म्ड बाय दी आर्क। और तीसरा जो पूछ रहा है वो कह रहा है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय दी करेस्पॉन्डिंग कार्ड। अभी इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, या लिख देता हूँ, एरिया क्या पूछ रहा है, ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट फॉर्म्ड बाय दी करेस्पॉन्डिंग आर्क कह रहा था। इसमें करेस्पॉन्डिंग आर्क बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा क्या क्या इसमें पूछ रहा है, क्या क्या बताना है। सबसे पहले लेंथ ऑफ दी आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फाउंड बाय दी आर्क, और एरिया ऑफ द सेगमेंट फाउंड बाय दी करेस्पॉन्डिंग आर्क। तो सबसे पहले इसमें कह रहा है कि लेंथ ऑफ दी आर्क, कहने का मतलब ये ए बी जो लेंथ है आर्क है इसकी लेंथ पता करनी है। तो पहला तो लेंथ ऑफ दी आर्क का जो फार्मूला होता है, लेंथ ऑफ दी आर्क वो होता है कितना है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये होता है। तो थीटा कितना है, 60 है, ये 360 टू 22/7। आर का मतलब कितना हो गया, 21 रेडियस। अब ये हो जाएगा 1/6 इंटू, ये देखिए 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक बार लीजिए इसका, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 44 इंटू 3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, और ये आ जाएगा 22 क्या सेंटीमीटर। ये लेंथ ऑफ दी आर्क पता चल गया। कौन सा आर्क है इसका नाम लिख दीजिए, ए बी आर्क। कौन सा आर्क है, ए बी आर्क। ये हमने ए बी आर्क की लेंथ निकाली। दूसरा क्या कह रहा है, पहला बहुत सिंपल है, आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया ऑफ सेक्टर फाउंड बाय दी आर्क मतलब इसकी एरिया पूछ रहा है, इसकी एरिया पूछ रहा है। तो सेकेंड है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है, 60 डिग्री, 360, 22/7। आर का मतलब देख रहे हैं 21, दो बार मल्टीप्लाई हो जाएगा 21 इंटू 21। अब ये कितना जाएगा, 1/6, ये देखिए 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एक लाइन और लिख लेते हैं यहाँ पे, ये तो 3 टूजा ये कैंसिल हो गया,
दो और दो से ये 11 बार में कैंसिल हो जाएगा, आएगा कितना 11 into 21। तो 11 मतलब बन जाए 11 हो गया और 22 एक 23 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आया आपका 231। कितना, हाँ ठीक है, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी एरिया पता चल गई। अब फ्रेंड्स हमको जो नेक्स्ट निकालना है मैं उसके लिए यहां पे रख कर देता हूं। ये दो निकाल दिया हमने यहां पे। अब इसमें सबसे जो समझने की बात है वो ये है कि एरिया सेगमेंट पूछ रहा है, और वो भी कौन सा सेगमेंट, करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द आर्क। मतलब अगर आप ये आर्क ले रहे हैं, ये आर्क, इसका मतलब इसकी एरिया निकाल ली, इसकी एरिया, बात समझ गए। और इसकी एरिया निकालने के लिए देखिए करना क्या पड़ेगा, मैं आपको बताऊं। ये तीसरा हम लोग यहां पता करने जा रहे हैं, एरिया आप क्या पता करने जा रहे हैं, करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट। तो थर्ड जो हमको फाइंड करना है क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट, करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट मैं लिखा रहे हूं आप समझिएगा। ये होगा क्या पता है, ये होगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर इसको ओ मान लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ये हुआ। आपको पता है ये 60 है तो ए बी 60 हो जाएगा, ए बी 60 क्योंकि ये इसके इक्वल है, और इक्वल है मतलब ये आपका क्या फॉर्म हो गया, ये आपका फॉर्म हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो उसकी एरिया निकाल देंगे। अब ये एरिया आपने ऑलरेडी निकाल रखा है सेक्टर की, कितना 231 माइनस, और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर होता है, आपको पता होगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर आप जानते हैं जैसे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, इसका लेंथ दिया हुआ, साइड का लेंथ दिया है, तो जो एरिया होता है वो अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर होता है। तो सिंपल सी बात है कि आपको मालूम है यहां पे 231 रहने दीजिए, अंडर रूट 3/4 भी ऐसे दीजिए, ए स्क्वायर का मतलब 21, क्योंकि 21 ए भी होगा, 21 ए भी होगा, तो 21 ए भी होगा, तो 21 ऑफ होल स्क्वायर। एक लाइन और लिखते हैं हम लोग, 231 माइनस अंडर रूट 3/4 इंटू 441, सॉरी 441। फ्रेंड्स आई थिंक यही आंसर भी है, ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या चीज, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में तीन तीन पूछ रहा था, पहला पूछ रहा था कि एरिया लेंथ ऑफ द आर्क, दूसरा पूछ रहा था कि एरिया ऑफ द सेक्टर, और तीसरा पूछ रहा था कि एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ द करेस्पॉन्डिंग आर्क, उस आर्क के करेस्पॉन्डिंग जो सेगमेंट फॉर्म होगा उसकी एरिया क्या होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो नहीं कह सकते लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स एक बात और मैं बताऊं कि अब अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप जा करके हमारे जो वीडियो के प्लेलिस्ट हैं उसमें आप जाके देखिएगा, चैप्टर वाइज मैंने बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, वहां से आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, बहुत इजी तरीके से बताया गया है, एनसीईआरटी का सोल्यूशन है, आप वहां से बहुत, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका आप सोल्यूशन नहीं पाएंगे। बाकी जो अभी कंप्लीट नहीं है वो धीरे धीरे कंप्लीट हो रहे हैं, कभी भी आप देख सकते हैं क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड होता है और ये आप हमेशा पड़ा रहेगा, जब आपका मन करे तब आप इसको आराम से देख के और समझ सकते हैं। तो आई होप आप समझ रहे हैं। चलिए ये तो क्वेश्चन नंबर 5 था, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं इस एक्सरसाइज के और भी अच्छे से क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।